अस्सलामुअलैकुम। आज जिस बीमारी के बारे में मैं बता रहा हूँ वो औरतों के मुतल्लिक है, डिस्चार्ज ऑफ वेजाइना यानी लकोरिया। बहुत सी औरतें जो हैं इस बीमारी में मुबतला होती हैं और बीमारी की वजह से कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाती हैं। ये कैसी बीमारी है जो औरतें बास औकात इसको छुपाती हैं और वो बताना अच्छा नहीं समझती। तो एक अच्छा मुआलज जो है वो जब पेशेंट देखता है जब तो महसूस करता है कि इनके अलामात जो हैं वो लकोरिया के हवाले से मौजूद हैं, तो वो ज़रूर अपनी केस टेकिंग में इससे पूछता है। लकोरिया के बारे में जो आज मैं बताने चला हूँ उसमें इंशाल्लाह तमाम जो डॉक्टर्स जूनियर्स सीनियर और इसके अलावा जो भी होम्योपैथ से दिलचस्पी रखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत मुख्तसर बताऊंगा मैं ताकि हर आदमी जो है इस उसकी ये समझ में आ जाए। इसमें जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा कलकेरिया कार, कलकेरिया कार का मरीज जो है वो मोटा और पिलपला सा होता है। कलकेरिया कार के मरीज जो रहम वो बहुत ढीला सा होता है। कलकेरिया कार में जो लकोरिया की अलामत हमें मिलती हैं उसमें लकोरिया गाढ़ा जर्द और दूधिया होता है और ये लगातार एक महवारी से दूसरी महवारी तक चलता रहता है। ये अलामत इतनी अहमियत की हामिल हैं कि मरीज को देने से फ़ायदा हो जाता है। तो इसकी डोज जो है वो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 8 से 10 कतरे दिए जाते हैं। इसके अलावा एक हमारी दवाई पलस्टीला है। पलस्टीला का लकोरिया गाढ़ा जर्दी माइल तेजाबी और सब्ज रंग का होता है। ये अखराजात लकोरिया का अखराज तेजाबी होने के नाते से अंदामे नहाने यानी यूट्रस में खारिश पैदा करता है, जलन पैदा करता है और पलस्टीला का अपना मजाज है जो रोने वाली शक्ल ज़्यादा होती है और नरम मसाज पाई जाती है, तो वहाँ पे पलस्टीला का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली दवाई हमारी सिपिया, सिपिया इसमें जो यूटस उसका दबाव यानी बोझ नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, इसमें लकोरिया दूधिया रंग का और महवारी से पहले यानी मेंसेस से पहले ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ गालों में यानी फ्रीकल्स छाइयाँ नमूदार होती हैं तो वहाँ पे सीपिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डोज है वो 30 पोटेंसी दी जाती है और सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। अगली दवाई जो है वो करियाजोट, करियाजोट का जो लकोरिया है वो बहुत ज़्यादा तेजाब भी होता है और
इतना तेजाबी के अंदर छीलन सी पैदा कर देता है, कमजोरी इसमें बहुत ज़्यादा होती है और ये इसका मवाद खराशदार होता है। बोरेक्स, बोरेक्स का लकोरिया जो है अंडे की सफ़ेदी की तरह होता है और मकदार में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी जो खसूसी अलामत होती है वो लकोरिया गर्म महसूस होता है, वहाँ पे बोरेक्स हमारी बहुत अहम दवाई मानी जाती है। एलोमिना नेक्स्ट दवाई है, एलोमिना का लकोरिया बहुत ज़्यादा मकदार में खारिज होता है, इतना ज़्यादा मकदार में खारिज होता है कि वो घुटनों तक भी जा सकता है। ओवा टेस्टा ये एक ऐसी दवाई है जब डॉक्टर को अलामात लकोरिया की ना मिले, यानी आम लकोरिया आम औरतों को, तो वहाँ पे आंखें बंद करके आप ओवा टेस्टा 3x में इस्तेमाल करवाएं। टैबलेट फार्म में ये मिलती है, 2 टैबलेट सुबह दोपहर और शाम। बायोकेमिक में हमारे कल्केरिया फास 6x और नेट्रम्योर 6x, इसकी 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स ज़रूर दीजिए। वस्सलाम।